मामले में ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। मामले में दलाल सुमित कुमार फरार बताया जा रहा है और आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में घूस ली थी दिव्या मित्तल ने 2 करोड़ की रिश्वत। मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे रही है जयपुर से। और बता दें कि एसीबी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है दिव्या मित्तल को। 2 करोड़ रुपए की घूस जो कि आरोपी को गिरफ्तार ना करने की एवज में मांगी थी एसीबी डीजी दिनेश एमन के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है। आरोपी के आवास समेत अन्य ठिकानों पर भी जांच की जा रही है। दलाल को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। तो 2 करोड़ की रिश्वत मामले में ये बड़ा अपडेट, एसीबी ने एएसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में यह बड़ा अपडेट, बता दें कि एसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई की है और एएसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया गया। एसीबी एडीजी दिनेश एमन के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है। आरोपी के आवास समेत अन्य ठिकानों पर जांच पड़ताल जारी है। साथ ही जो आरोपी फरार है उसको लेकर भी टीम गठित की गई है पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। तो एसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार ना करने की एवज में ये 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। तो मोहम्मद रजाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। मोहम्मद रजाउल्लाह आपसे जानना चाहूंगी, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में जो एक और आरोपी था वो फरार है, उसको लेकर क्या कुछ फिलहाल कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए जो दिव्या मित्तल है वो एसपी अजमेर में एडिशनल एसपी के तौर पर कार्यरत है और उन्होंने 2 करोड़ की डिमांड एक युवक को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में मांगी थी। पूरे मामले में जो दलाल है उसका नाम सुमित बताया जा रहा है और सुमित फिलहाल पूरे मामले में फरार हो चुका है। एसीबी की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो खबर ये है कि दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकायदा जो प्रेस नोट है वो अधिकारियों की तरफ से जारी किया गया है, एसीबी के अधिकारियों की तरफ से। फिलहाल जो एनडीपीएस का एक मामला है, इस मामले में गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में जो है पहले 1.5 करोड़ में सौदा तय हुआ था और उसके बाद में ये कहा जा सकता है कि 2 करोड़ की रिश्वत के मामले के अंदर पुलिस ने फिलहाल ये जो एसओजी एडिशनल एसपी है दिव्या मित्तल उनको गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, ये भी बताया जा रहा है कि जो आवास है और दफ्तर है वहां पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस लिए रिश्वत मांगी गई थी किसी आरोपी को गिरफ्तार ना करने के एवज में, इस आरोपी से संबंधित कोई जानकारी क्या मांगा था? जो आरोपी है वो आगरा का रहने वाला है और आगरा के रहने वाले उस आरोपी की गाड़ी को जो है पकड़ा गया था जयपुर के अंदर और उसके बाद में जो है उसको गिरफ्तार नहीं करने की एवज के अंदर जो है पैसे मांगे गए थे। 4 जनवरी को बाकायदा उसने एसीबी के अंदर शिकायत दी थी कि इस पूरे मामले में जो है मुझसे रिश्वत की डिमांड की जा रही है, जिसके बाद एसीबी के जो एडीजी है दिनेश एमन उनके निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। जो एडिशनल एसपी हो या फिर एसीबी के जो अधिकारी हो वो तमाम लोग अजमेर गए, अजमेर में जाके सर्च किया और उसके बाद में अलग अलग इलाकों में जाकर जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया और सुबह से ही जयपुर, अजमेर, उदयपुर सहित अन्य इलाकों में जो है आवास सहित अन्य इलाकों में जो है पूरा ये कहा जा सकता है जो सर्च ऑपरेशन एसीबी का है वो लगातार जारी है। जी ठीक है, इसके साथ ही क्या इस पूरे मामले में और भी आरोपियों के हो सकता है कि और भी लोग जुड़े हों या फिर ये 2 ही लोग हैं, एक तो एएसपी दिव्या मित्तल, दूसरा दलाल जो बताया जा रहा है सुमित आप नाम बता रहे हैं, क्या इसके अलावा और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इस तरह की कोई उम्मीद? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2 करोड़ का नाम सुनते ही कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, तो 2 करोड़ किन किन लोगों के बीच में ये जो है पार्टनरशिप होनी थी उस पूरे मामले को लेकर जो है रिश्वत मांगी गई थी। फिलहाल 1.5 करोड़ रुपए की जो है रिश्वत का पहले सौदा तय हुआ था और उसके बाद में जो है 2 करोड़ उसको कर दिया गया और 25 लाख रुपए के करीब जो है जो परिवादी था वो दे चुका था और उसके बाद में अजमेर के अंदर एक ब्यावर पुलिया है वहां पर उसको बुलाया गया था, लेकिन जो दलाल है सुमित उसको इस चीज की भनक लग गई और वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल जो दलाल है उसको गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन जो एसीबी ने एएसपी जो दिव्या मित्तल है उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है पूरा हिंदुस्तान हिल के रख दिया, क्योंकि एसओजी के अंदर जिस तरह से एक काफी संवेदनशील जो है पद माना जाता है और इस पद पर रहने के बावजूद जिस तरह से रिश्वत की डिमांड की गई, अपने आप में ये कहा जा सकता है कि एसीबी को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन राजस्थान पुलिस की जो छवि है वो भी घुमी होती हुई नजर आ रही है कि एक एएसपी लेवल की जिस तरह से अधिकारी ने रिश्वत की डिमांड की और रिश्वत भी कोई 1-2 लाख रुपए की नहीं, 10-15 हजार रुपए की नहीं, बल्कि 2 करोड़ रुपए की रिश्वत, ये कहा जा सकता है कि अपने आप में एक रिश्वतखोर जो अधिकारी है वो यहाँ पर पनपते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन चलिए ठीक है मोहम्मद रजाउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। तो एसीबी एडीजी दिनेश
के आदेश पर ये कार्रवाई हो रही है, उनके निर्देश पर ये कार्रवाई हो रही है। बता दें कि एएसपी दिव्या मित्तल को 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में एक दलाल भी है जो कि फरार बताया जा रहा है। फिलहाल उस दलाल को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए टीम का गठन भी किया गया है। तो मादक पदार्थ तस्करी मामले में घूस मांगी थी।